가디가면 비서 제가 아스카냐 멍실 또 तो मंगशरा में इंद्र लगा दिया माँ में पापा को क्या ना। और गाइस भाई ये मेरा घर का व्यूज देख सकते हो, और बाकी बजे जो हम लोग हरी पत्तियां लेके आते हैं उसकी बाद में मतलब गाय इसकी पत्तियां खा लेते हैं, और इससे भाई ये बच जाता है ये हमारे। हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो गाइस मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ भाई शाम से, क्योंकि भाई हम आज सुबह सुबह कुछ काम हुआ नहीं मेरा, सुबह भाई मैं इधर पालियों के लिए गया था, ये भाई देख सकते हो। और आजकल भाई मम्मी बता रही थी आजकल हमारे गाय भाई शहद खा रहे हैं। शहद का मतलब भाई आजकल क्या होता है पेड़ों पर, मतलब जो यहाँ पे जो हरी पत्ती के पेड़ हैं उन पे क्या होता है आजकल शहद टाइप का लगा चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, जो खाने में बहुत ही मीठा होता है, जो बचपन में हम लोग भी चाटते थे उसको, लेकिन अब तो भाई हम लोग बड़े हो गए तो आजकल गाय चाटते हैं इसको। तो भाई आजकल भाई जो ये पत्तियाँ हरी पत्तियाँ हम ला रहे हैं, तो फटाफट जंगल से लाते ही भाई गाय ख़त्म कर दे रहे हैं इनको। इसका कारण ये होता है भाई ये मीठा होता है तो इसलिए गाय ज़्यादा खाती हैं, और ये शहद भाई इसलिए होता है क्योंकि भाई पहाड़ में जब बहुत दिनों से भाई बारिश वगैरह नहीं आती है तो धूप के कारण पेड़ की पत्तियां भाई चिपचिपा पदार्थ छोड़ना शुरू कर देते हैं जो मीठा होता है, तो भाई बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। और बाकी भाई आज का व्यूज़ देखिए भाई यहाँ पे कैसा है हमारे गाँव का, ये भाई सामने मेरा घर है और यहाँ से भाई ये देखिए और गाइस पहाड़ों में भाई एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई हमारे आजकल, जैसी भाई ये महीना लगता है हमारे यहाँ पे मंगसीर का यानी दिसंबर या जनवरी का, तो सामने भाई धुंध आनी शुरू हो जाती है, तो देख सकते हो भाई एकदम पहाड़ों में धुंध आनी लग जाती है, तो जिसका कारण है भाई कई शहरों में इन जगहों पर आग लग जाती है आजकल। तो जब बहुत दिनों से बारिश नहीं होती तो आग लगनी शुरू हो जाती है कहीं पे भाई लोग डाल देते हैं, तो मैं तो उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ भाई अपने जंगल को बचाइए और अपने क्षेत्र को बचाइए, आग मत डालिए क्षेत्रों में जगह जगहों पे, तो जिसके कारण भाई कितना प्रदूषण होता है आप सामने देख सकते हो भाई इस वाले इलाके में कितना साफ हमारा दिखता था वातावरण, और आजकल भाई धुंध के कारण पूरा ये धुआं 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 होने लग गया है पूरे इलाके में। तो जो भी भाई धुंध शहरों में होती है वो भाई आजकल उड़ करके इधर आ जाती है है। और बाकी भाई हमारे पहाड़ में बताना चाहता हूँ, आज मैं अपने घर के आसपास ही हूँ, ज़्यादा मेरा ब्लॉग लंबा नहीं होने वाला है। तो इधर देखिए भाई हमारे गेहूँ कितने बड़े हो गए हैं, ये जो गेहूँ हम लोग उस दिन बो रहे थे ना, ये देखिए इसका मतलब समझते हो आप, थोड़ा थोड़ा सीजन मतलब प्लस की तरफ जाता है, गर्मियों के दिन आने शुरू हो जाते हैं इसका मतलब ये होता है। बाकी भाई अभी बहुत टाइम है जाड़ों के लिए, और अभी आजकल भाई मेन ठंडा हो रहा है जनवरी और दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है पहाड़ों में, तो बाकी यही भाई, और बाकी मेरा यही मोटिव था भाई आज बताने का। सामने देख सकते हो भाई कितनी तगड़ी वाली धुंध लग गई है, तो प्लीज़ यार भाई एक बार कि ऐसे अगर कहीं पर आग लग रही है उसको बुझाने की कोशिश कीजिए। गाइस देख सकते हो भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, जैसे मम्मी यहाँ पे काम कर रही है ये, तो गाइस हम लोगों ने पंखे से भाई इसमें से मोटे जड़ अलग किए हैं, तो इसमें कुछ कुछ भाई मोटे जड़ भी छूटे हैं, तो मम्मी उनमें से ये छांट रही है, तो देख सकते हो गाइस। तो इसको कैसे छांटते मम्मी, पूरा एक एक ऐसे छांटना पड़ता है, एक एक करके भी छांटना पड़ता है, बता करके भी छांटना पड़ता है। आज ये मोटी जैकेट क्यों पहन ली, अरे ठंडा हो रहा है ना, खांसी हो रही है। अच्छा, ये बारिश की वजह से धुआं 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 लगा। मम्मी ये बताओ जो सामने ये धुंध लगा है ये पहले से लगता है कि आजकल नहीं, आजकल ज्यादा लग रहा है कि बहुत पहले से लग रहा है? पहले तो मैं देखती नहीं लगता या नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही देखता था। अच्छा, उस जमाने में अब तो बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। अच्छा, प्रदूषण के कारण हो रहा नहीं, प्रदूषण के कारण से कहीं आग डाल पहले, मतलब मेरा कहना है कि मतलब जब आप लोग आप बचपन में छोटे थे तब पहले लगने की आज अलग हो, राग शक दो सब नहीं लिया मैंने कहा था क्या राग शक हो, राग शक दो सब नहीं पहले। हाँ, तो देख सकते हो सुना गाइस आपने, पहले बोलते थे बल पुराने लोग राक्षस धुए, राक्षस भाव उड़ाता था बचपन में। हम डरांची गोर पकड़ा देकर रहनी ने का डरांची यूज का। अच्छा, जल्दी लाओगे अब तो आग डाल दियो तो साला। तो वो तो सुना आपने कि उस जमाने में जब इधर उधर काम करने जाते तो जल्दी आएंगे करके डराते थे, बल्कि जल्दी ये राक्षस का धुआं आ गया है और जल्दी घर आओ करके। और आप डराता भी था पहले? अच्छा, आप भी डराता है? डराता भी था, क्या बात। अच्छा, तो ये धुंध के बारे में क्या बोलना चाहते हो, जो लोग आग डाल रहे हैं इनको क्या बोलना चाहते हो आप? मैं तो मेरी तरफ से तो आग नहीं डालना चाहिए। अच्छा, अपना घास बचाओ, लकड़ी बचाओ, जंगल बचाओ, जंगल बचाओ, एक पेड़ में वो जल जाएगा ना।
तो कितना नुकसान हो जाएगा हम लोग, नुकसान होगा उसका हम लोगों के लिए। सही बात है भाई। और सुधा लाएंगे, लकड़ी लाएंगे और सब काम वहाँ बैठे। ऑक्सीजन तो हमको मेन ऑक्सीजन तो भाई पेड़ों से ही हम लोगों को मिलती है। और यहाँ पे मेरा छोटकू भाई है, क्यों सो रखा भाई? बर्फ में क्या पुराने जमाने में कमड़ा कमड़ फाल बना और छबेल बटन ची वो छबेल लगा बना दान ची हम स्कूल में छबेल लगा बना जा रहे और आप क्यों भैया? आप तो भाई आई फाई वहां से तो गाइस इस सीजन में भाई हमारे यहाँ पे ये वाले जो होते हैं ना पाथर जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखे हैं पाथर, ये क्या होते हैं इसके नीचे भाई बर्फ जम जाती है, मतलब इसके नीचे मतलब बहुत जम जाता है तो ये भाई इतना उठ जाता है इतना। इस बार थोड़ा सा बारिश भी नहीं आ रखी है, मौसम साफ है तो इसके कारण इस साल भाई हमारा ये नहीं उठे, वरना भाई यहाँ पे चलना बहुत टफ हो जाता है मतलब यहाँ पे। और बाकी भाई हमारा यहाँ पे लेटरिन बाथरूम पानी इधर साइड है और ये भाई मेरा घर तो आप देखते रहते हो। इधर हम लोग गाय बांधते हैं, इधर हम लोग आग जलाते हैं, किचन है, इधर एक रूम हमारा स्टोर बना रखा है फिलहाल यहाँ भी रहने के लिए है, दो कमरे इधर भी निकाल के और मैं इधर सोता हूँ भाई ऊपर और उधर हमारा स्टोर रूम है। और बाकी भाई कभी अपना होम टूर लेके आऊँगा जिस दिन भाई 10K हो जाएंगे, अगर आपका सपोर्ट सही रहा तो आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो भाई मैं जिस दिन 10K हो जाएंगे उस दिन मैं अपना होम टूर अपने गांव का पूरा टूर लेके आऊँगा बढ़िया तरीके से विद ड्रोन शॉट के साथ, अगर आप लोग पूरा सपोर्ट करते हो तो। और बाकी भाई मेरे इधर भाई ये है, ये मैं परसों कल की वीडियो में बात कर रहा था ना बाल जोतने के लिए, भाई ये है मेरा, ये भी तैयार हो भाई, किसी को लेना है तो ले लो मेरे से भाई, ये भी खतरनाक है, ये बहुत फाड़ू है भाई ये, और भाई इतना भागता है इतना उछलता है ना भाई, मतलब ये कंट्रोल में नहीं है हमारे, और चलने के लिए भाई कैसा होगा। अब इसको भी खेत में ले जाऊंगा मैं, इसका जोड़ा लेके आ रहा हूँ जल्दी से जल्दी, अगर कहीं बढ़िया जोड़ा मिल पाता है इसके लायक का तो इसको भी जोतेंगे और इसको भी दिखाएंगे। क्यों हाँ कुल फाइट करेगा तू? हाँ ये मेरा दूसरा भाई छोटो, ये कैमरा सुनने वाला है छोटो ये तो बहुत ही अच्छा है यार। चिमले बेटे कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली मैं इस कुत्ते के भाई बच्चे होने वाले हैं हमारे इधर, तो जिसको कुत्ते के बच्चे चाहिए वो भी डिमांड कर सकता है भाई हम लोगों को भाई, इसके भी मतलब बच्चे होने वाले हैं मतलब कुछ दिनों के बाद, और बाकी बौड़ वगैरह तो हमारे पास बहुत बतेरा पड़ेगा पूरे गांव में। ये देखिए भाई फाइट और गाइस भाई ये मेरा घर का व्यूज देख सकते हो, और बाकी बजे जो हम लोग हरी पत्तियाँ लेके आते हैं उसकी बाद में मतलब गाय इसकी पत्तियाँ खा लेते हैं और इससे भाई ये बच जाता है, ये हमारे लकड़ी का काम करता है, ये हम लोग चेंज करते रह रहे हैं यहाँ से, और ये साथ में तीन काम करते हैं भाई मेरा, एक तो भाई ये बाड़ बन जाता है यहाँ से, मतलब यहाँ से गाय अंदर आराम से नहीं जा पाती हैं, मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है गाय को, और बाकी ये जलाने का काम ये सूखी लकड़ी का काम कर देता है, मतलब बहुत फ़ायदे हैं भाई इसके। और बाकी इधर भाई मेरे मामा लोगों का घर इधर है और इधर भी मामा लोगों का घर है ऊपर नीचे साइड, और इधर सारे लोग रहते हैं मोहल्ले वाले, और ये मेरे पेड़ भी भाई इधर बहुत सारे, मतलब मेरे पास बहुत पेड़ है, रिंगाल भी लगा रखा है मैंने इधर, ये स्वेटर वगैरह बनाने के लिए भाई रिंगाल, जिसको भाई ये रिंगाल स्वेटर वगैरह बनाते हैं हम लोग, बना के दिखाएंगे कुछ दिनों के बाद यहाँ पे, मतलब रिंगाल से स्वेटर किस प्रकार से बनाते हैं हम लोग। और बाकी भाई यही था हमारा आज पर्सनल ब्लॉग ही चल रहा है मेरा, इधर भाई कैमरा पकड़ लिया कुछ न कुछ शूट कर लिया, कंटेंट डालना ही है कुछ न कुछ,
और बाकी क्या होता है यार आजकल, ऐसे ही चल रहा है। और इसके बाद देखते हैं कोई अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, गांव गांव में जाते हैं, प्लान बना रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ करनी पड़ती है यार हर चीज़ की, पैसों की भी और प्लानिंग की भी, घर का काम भी देखना पड़ता है हर चीज़। तो इस हिसाब से ब्लॉग्स सही तरीके से आएंगे, और अगर सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग फिर बड़े लेवल पर काम करेंगे। वो अखबार ना भाई ऐसे चल रहा है, फैमिली ब्लॉग ही वगैरह चल रहे हैं। और सामने भाई नज़ारा देखो, और ये देखो भाई पूरा धुंध आ गया आज इलाके में चारों तरफ। तो यही है भाई आज, और आज के ब्लॉग्स को मैं यहीं पे रखूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ज़्यादा ही पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, शोभनानंद ब्लॉग चैनल को। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। तो गाइस देख सकते हो भाई किस प्रकार से मम्मी यहाँ पे ये काम कर रही है। पहले इसमें से छाट रहे हैं, पहले भाई हवा से छाटते थे हम लोग, अब लेकिन जब से भाई बिजली और पंखा आ गया इधर यहाँ से भाई, तब से भाई हम लोग इसी में कर रहे हैं, मतलब पंखे से ही कर रहे हैं काम। और साथ में भाई हेलमेट वो डाले, क्या बोलते हैं उसका नाम, ये ईयरफोन, ये क्या बोलते हैं इसको, ईयरफोन डाले हैं कान में।